गुड इवनिंग छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीबीआर स्टडी में। बच्चों, आपको पता है कि इस अप्रैल वाली जो नई बैच चल रही है, इसमें शाम 7 बजे आप कक्षा 10 की मैथ पढ़ रहे हैं। ये एनसीईआरटी गणित होती है, जो कि सभी बोर्ड के बच्चों के लिए होती है। आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड है, सबके लिए है। एक्सरसाइज है आपका बेटा 1.2। कौन सा है? 1.2 यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लियर। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हम आज आपको कराएंगे, 6 भी करवाएंगे, 7 भी करवाएंगे। इसके पीछे के 4 क्वेश्चन आपने पिछली क्लास में देख लिया है, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है। कह रहा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच कीजिए, इसको क्या करना है, चेक करना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर के लिए जो नंबर है वो 6 की पावर n डिजिट 0 पर इंड हो सकती है। इंग्लिश मीडियम वालों में क्वेश्चन इंग्लिश में होगा, बाकी तरीका वही होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले तो आपको समझना है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी, जैसे एक संख्या मान लो 0 पर समाप्त हो रही 10, हाँ, एक संख्या 0 पर समाप्त हो रही 20। 0 पर समाप्त होने का मतलब ये है भैया बाबू कि लास्ट में 0 होना चाहिए कम से कम, या मान लो 160। तो इनके जो गुणनखंड है, आप करके देखो, ऐसे करके देखो, इसमें आपको एक चीज मिलेगा। 2 से काटोगे एक बार 30 आएगा, फिर 2 से काटोगे 15 आएगा, फिर 3 से काटोगे फिर 5 से, आपको एक चीज ये दिख रहा होगा कि सभी में 5 जरूर आ रहा है, आ रहा है ना, और 2 भी आ रहा है। देखो, 0 में जिस भी नंबर में 0 होगा लास्ट में, उसके गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आएगा, क्योंकि 2 × 5 = 10, तभी जो है 10 बनेगा, यानी लास्ट में 0 तभी बनेगा, है ना। अगर 2 ना आए किसी संख्या के गुणनखंड में या 5 ना आए तो 0 कभी हो ही नहीं सकता है। बोलो होगा क्या, कोई ऐसा नंबर बता दो जिसमें 2 और 5 ना रहे और गुणा करो तो लास्ट में 0 आ जाए, कभी होगा? ऐसा नहीं होगा। तो आप लिखिए, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी, लिखिए, यही लिख लीजिए, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसका गुणनखंड 2 × 5 होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसका गुणनखंड 2 × 5 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें क्या दिया है, कह रहा 6 की पावर n जो है क्या अंक 0 पर समाप्त होगी। यहां पर ध्यान दो, 6 की पावर n को भैया हम लिख सकते हैं बाबू 2 × 3 का पावर n। क्या इसमें कहीं 5 आ रहा है कि जो 0 बन जाए? नहीं ना, कभी नहीं हो सकता ना। तो आप यहां लिखोगे 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 6 के गुणनखंड में कहीं भी 5 नहीं आ रहा है। पूरी बात लिख लीजिए, टाइम बचाना जरूरी है, ठीक है। देखिए, कभी भी 0 पर समाप्त तो नहीं होगी, क्योंकि 6 का अभाज्य जो गुणनखंड है, प्राइम फैक्टर 2 × 3 है, जबकि 0 लाने के लिए 2 × 5 होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपका 5 नंबर क्वेश्चन एंड होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए बहुत जल्दी। बच्चों, एक बात आपको बता दें कि ये चैप्टर मतलब 1.2 जैसे खत्म होगा भैया, वैसे हम आपको चैप्टर नंबर 11 पढ़ाएंगे, ठीक है। पीछे के 11, 12, 13, 14 जो चैप्टर हैं उनको पहले पढ़ा देंगे, फिर शुरू वाला पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको आप लास्ट में रिवीजन कर लोगे, आपके लिए आसान रहेगा। वो चैप्टर से ज्यादा अंक आते हैं और ज्यादा मनोरंजक और ज्यादा मजेदार चैप्टर हैं, ठीक है। थोड़ा कठिन टाइप के हैं लेकिन मस्त हैं, तो आपको पीछे से पहले पढ़ लेना है, ठीक है। तो मैं पढ़ाऊंगा, 1.2 खत्म हो जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको मिटाइए। अगला प्रश्न नंबर 7 है, छठवां नंबर है, सॉरी 1.2 का छठा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए मतलब डिस्क्राइब कीजिए 7 × 11 × 13 + 13, स्क्रीन पर दिख रहा नीचे ना क्वेश्चन, और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 + 5, ये भाज्य है यानी कंपोजिट नंबर है, ये आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। देखिए, मैं आपको करके दिखाऊंगा, आइए पहले इनको ऊपर लिखते हैं। पहला जो डिजिट दिया भैया, यहाँ पर ध्यान दो आप, छठा नंबर क्वेश्चन है, वो क्या है, 7 × 11 × 13 और प्लस का 13, यही है ना इसको, और एक नंबर है 7 × 6 × 5 = 4 = 3 = 2 = 1, ठीक है।
कोई बात नहीं, इसको भी लिख लेते हैं। 7 × 6 × 5 = 4, 3, 2, 1 और धन 5। इनको आपको डिस्क्राइब करना है कि ये भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। देखो भाई सिंपल सी बात है, इनमें दो फैमिली लग रहे हैं मुझे, ये प्लस है, यहाँ पे 13 है, इधर भी 13 है, इसमें 13 कॉमन ले लेंगे तो आपको ये 11 × 7 = 77 और प्लस 1 बचेगा। बोलो बचेगा ना? हाँ बचेगा। या फिर इसे हम 7 × 11 + 1 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, नहीं ना? तो 77 प्लस ये इतना कर सकता हूँ मैं इसको, 78, बोलो 77 × 78 हो गया ना, हो गया ना। एक काम हम और कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान देते जाना, ये 13, ये 78 को हम फैक्टर कर सकते हैं, 2 × 3 = 6 और 13 × 6 = 78, इसको लिख सकते हैं भैया 2 × 3 और × 13 इतने को, बोलो 2 × 3 = 6 13 × 6 = 78 होता है ना, या 13 × 2 = 26, 26 × 2 = क्यों भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं नहीं 13 × 3 = 39, 39 × 2 = 40, 40 × 2 = 80 होता है, 39 × 2 = 78 होता है। तो ये इतना बन गया, समझते जाओ कहानी में बता क्या रहा हूँ। हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। आगे वाले पे आगे बढ़िए, इसमें आप देखिए तो गुणा में एक 5 है, इसमें अगर हम 5 कॉमन ले लें तो 7 × 6 × 5 को निकाल दो, बाकी सब बचेंगे, धन 1 ये बचेगा। इनको आप क्या कर सकते हो, सबका गुणा कर सकते हो, 7 × 6 = 42, 42 × 4 में फिर इसमें इसमें सबका गुणा कर लो तो ये 1008 समथिंग बनेगा। बोलो बनेगा, मल्टीपल करना सभी जानते हो, हाँ? यानी फाइनल में अगर हम कर रहे हैं तो ये 5 × 1009 बनेगा। हमें सिद्ध करना है कि ये भाज्य हैं। देखो बाबू ये प्रूफ हो गया, नीचे लिखो ये प्रूफ हो गया भाज्य हैं। क्यों? क्योंकि जो अभाज्य संख्या होती है भैया बाबू, जैसे 13 है तो इसके उस संख्या के, यानी 13 है तो 13 के छोड़कर और सिर्फ 1 एक ऐसी संख्या होती जो उसका फैक्टर होती, बाकी और कोई नहीं होता है। आपको पता ना किसी भी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो संख्या खुद होती है, एक 1 होता है, बाकी और कोई नहीं होता है, तब वो अभाज्य होती है। बाकी जैसे अगर 12 ले लिया, अगर इनके इतने सारे फैक्टर हैं, मतलब वो संख्या खुद और 1 को छोड़कर और भी फैक्टर हैं, तो वो क्या होती, भाज्य होती है, होती है ना। तो यहाँ पर क्या ऐसा है कि इनके और कोई फैक्टर ना हो, नहीं ना। इस नंबर के देखो फैक्टर कितने हैं, 5 है, 1009 भी है, इसमें देखो इतने सारे हैं, यानी ये क्या है, भाज्य संख्या है ना। तो नीचे लिख लो डिस्क्राइब में, इन संख्याओं के एक के सिवा और भी गुणनखंड हैं, या फैक्टर है इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। इन संख्याओं के नीचे लिख लीजिए, डिस्क्राइब कर लीजिए, इन संख्याओं के एक के सिवा या एक को छोड़कर और भी गुणनखंड हैं, ब्रैकेट में फैक्टर हैं, इसलिए उपरोक्त दोनों संख्याएं भाज्य हैं। दोनों संख्याएं क्या हैं, भाज्य हैं। देखिए बच्चा, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बेटा परेशान ना रहो, मिस्टर विवेक कुमार कमेंट तुम्हारा आ रहा है, हैरान ना रहो, मैं देख लेता हूँ एक बार, काफी परेशान है ये। एक बात जान लीजिए, जो बच्चे रोज जुड़ते हैं मैं उनका नाम जरूर बोलता हूँ, जैसे कि अनिक सिंह जुड़े हुए हैं, श्यामनाथ वर्मा जी जुड़े हुए हैं, मोहित सिंह, प्रियंका माधुरी, और ये अभी अभी जुड़े हैं फिरदौस आलम, आरती कुमारी और नीलम, आर्यम स्टडी, शिवानी बचस, अभिनंदन ठाकुर और नरेंद्र वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, विजय कुमार जुड़े हैं ओनली फॉर स्टडी, नीलम सिंह, अजीत कुमार, रोहित गुप्ता, आशीष कुमार और शाहबाज परवीन, हरदीप भी जुड़े हुए हैं, बहुत से बच्चे जुड़े हैं। तो बाबू ऐसे आप लोग पढ़ते रहिए, अगर रोज जुड़ेंगे तो सबका नाम हम बोलते हैं, ठीक है। सालू कुमारी, पुनीत कुमार, ये सभी बच्चे जुड़े हैं, सबका कमेंट आ रहा है, जो लोग रोज जुड़ते हैं उनका नाम जरूर बोलते हैं। राहुल वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, हरदीप पुरी भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, सबका कमेंट आ रहा है, अब मत कहना नहीं आ रहा है। इसका डिटेल लिख लिया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए, 7वां नंबर। इसी के साथ ये आपका 1.2 खत्म हो जाएगा और फिर 1.2 के बाद 1.3 चलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज और ध्यान रखना, ये क्लास थोड़ी छोटी होगी तो बिल्कुल घबराना नहीं कि आज काहे छोटी है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और ज्यादा क्वेश्चन कम समय में पढ़ाया गया है, ठीक है बच्चा, तो घबराना नहीं। क्वेश्चन नंबर लास्ट 1.2 का, कक्षा 10 की मैथ आप पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पैटर्न वाली किताब। किसी खेल के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, पहले इसको समझो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक कोई खेल का मैदान है, ये
ठीक है। कह रहा खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ऐसे सर्कल नुमा एक क्या है रास्ता है, कहाँ है उस खेल के मैदान के चारों तरफ ये क्या है रास्ता है, ये रास्ता इस पे लोग चलते हैं। क्लियर, आप समझना। कह रहा इस मैदान का एक चक्कर लगाने में वन राउंड घूमने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे एक ही साथ और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं दोनों लोग, हम तेरे साथ साथ, हा? और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर यानी जहां से चले थे वहां पर पहुंच जाएंगे, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल है। अगर इस तरह का कहीं भी क्वेश्चन मिलता है तो आपको क्या करना है, उन नंबर्स का एलसीएम निकाल देना जो नंबर दिए हैं, ठीक है। लिखो सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट, यहां पर दिया है ना, टेबल नंबर हल लिखो, सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट, नीचे लिख लो रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट, रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट। वह वापस मिलेंगे कहां पर, बराबर एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, ठीक है। तो इन दोनों का जब एलसीएम निकालोगे बाबू तो कितना आएगा, 36 आएगा। नीचे लिख दो आता हुए 36 मिनट बाद एक दूसरे से पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। समझ गए ना सभी, किसी को कोई डाउट नहीं, परेशान नहीं होना है। आपका 1.2 खत्म हो गया। एक बात और बता दें, देखो बाबू इसके पहले जो बैच चली है उसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 तक पढ़ा दिया है, जिसकी सारी वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप जाके देखो, एक तरफ से बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। कोई डाउट होता है तो कमेंट करो, आपको रिप्लाई मिलेगा। नीचे नंबर चल रहे हैं, उन पे फोन करिए, मैसेज करिए, रिप्लाई मिलेगा। कल से हम आपको चैप्टर नंबर 11 पढ़ाएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14, 15 पढ़ लो पहले, आसान है एकदम, शुरू से पढ़ाएंगे। ये मत सोचना कि हम तो 10 तक पढ़े ही नहीं तो 11 से कैसे पढ़ेंगे। भैया 11 से चैप्टर से इसके पीछे के चैप्टर से कोई मतलब नहीं है, वो अलग है बिल्कुल, ठीक है। वृत्त पढ़ोगे ना आप लोग, क्या नाम है चैप्टर का 11 का बताओ। देखो वृत्त नहीं, वृत्त तो मैं पढ़ा चुका हूँ, चैप्टर नंबर 10 में मैं वृत्त पढ़ा दिया हूँ, सर्कल रचना पढ़ोगे बेटा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जिसमें पटरी प्रकार से हम आपको कॉपी पेन लेके पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पटरी प्रकार तो इस पे चलेगा नहीं, तो हम आपको रचना पढ़ा देंगे। रचना के बाद आपको वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल ये पढ़ा देंगे, उसके बाद आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन पढ़ा देंगे, सांख्यिकी पढ़ा देंगे, फिर प्रायिकता पढ़ा देंगे, फिर आपका पीछे से ये सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे, फिर हम आपको 1.3 से फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है। सुजीत विक्टर आपका कमेंट आ रहा है, एकता शर्मा आपका भी कमेंट आ रहा है, सुमित भरद्वाज जी आपका भी कमेंट आ रहा है बेटा बाबू, ठीक है। रोहित गुप्ता ऑफिशियल सबका कमेंट आ रहा है, बिल्कुल परेशान ना रहो, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बहुत बहुत थैंक यू। रात के 9 बजे फिर जिनको बेसिक मैथ नहीं आता जरूर आना और पढ़ना जरूर, ठीक है। जय हिंद।